हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मेरे पास है लैम्बोर्गिनी यूरस और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका रिव्यू किया जाए, तो फाइनली आ गई और मेरे बेस्ट कलर में खड़ी है जो मुझे पसंद है। खैर, मेरे साथ यहाँ पे है बुची व्लॉग्स। यो 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 गाइस, आई गिव हिम माय कार फॉर अ डे टू चेक इट आउट टू रिव्यू, सो प्लीज यू नो गरीब ओनर। या और बाकी शाहजेब भी है और उसके पीछे जो है लैम्बोर्गिनी ब्लू कलर की भी खड़ी हुई है यूरस सेम। वो स्पेशल एडिशन है लेकिन मैं फिर भी इसके येलो कलर मुझे पसंद आ रहा था, इसकी रिव्यू करना चाह रहा हूँ, तो वो भी दिखाता हूँ हमको। तो स्टार्ट करते हैं। और तो ये है जी लैम्बोर्गिनी की चाबी और अभी स्टार्ट कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी यूरस से। अच्छा, ये वन ऑफ द माई फेवरेट कार भी है और इसका जो कलर है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आई डोंट नो व्हाई मुझे येलो कलर आजकल क्यों इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्टोबीज में डीलरशिप में मैं आया हुआ हूँ, शोरूम 50। ठीक है, तो खैर सबसे पहले हम लोग इसकी डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं। यार ये गाड़ी क्या ज़बरदस्त लग रही है, ब्लू कलर की खड़ी है। इसे कॉस्टली है लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और तो इनसाइड की बात कर लेते हैं और गाड़ी के फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर होते हैं। खैर, सबसे पहले हम लोग इस साइड डोर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल है, इसकी विंडोज़ अप एंड डाउन और उसके साइड मिरर एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन सबसे इसमें एक बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना 102, इसमें ये सीन होता है कि ये गाड़ी की सीट आप एडजस्ट कर लो। फ़र्ज़ किया दो डिफरेंट पर्सन चला रहे हैं कार को, तो एक बंदा अपनी गाड़ी की एडजस्टमेंट कर लेगा सीट की और यहाँ पे सेट कर देगा। जब वो आके क्लिक करेगा वन पे तो ये गाड़ी की सीट फर्ज़ किया आगे या ऊपर नीचे जो भी है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये कर देगा। अगर कोई और आके ड्राइव करेगा तो वो इस पर क्लिक करेगा दूसरे नंबर पे, तो वो उसके हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि जो इन्होंने सेव किया होगा उसके अंदर। उसके बाद ये सीट है, तो सीट के अंदर ये मसाज का सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मसाज आपको मिलेगा। उसके बाद वेंटिलेशन का सिस्टम भी है इसके अंदर, जो कि ठंडा और गर्म करती है सीट्स वगैरह, तो ये फीचर भी इस गाड़ी के अंदर है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अंदर देख लेते हैं इसका जो स्टेयरिंग व्हील वगैरह है उसके अंदर। ये देखो, सबसे पहले तो आजकल जिस तरह आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के साथ हम लोग बात कर सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करके गाड़ी के साथ हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैनुअल चलानी है तो उसके लिए पैडल शिफ्टर वगैरह हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा एसी के विंड्स वगैरह, और ये स्टिचिंग चेक कर रहे हो, ये कलर के साथ मैचिंग है सारी इसकी स्टिचिंग वगैरह। और उसके अलावा जो है लैम्बोर्गिनी की वहाँ पे ब्रांडिंग हुई पड़ी है, डेफिनेटली फॉर श्योर होनी ही थी। और ये जो चीज़ है ये क्लाइमेट कंट्रोल और एसी के कंट्रोल्स वगैरह के लिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना ये स्टार्ट स्टॉप का इसका बटन है, यहाँ से इसको ओपन करके इसको क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी स्टार्ट करके इसका बताता हूँ। उसके बाद इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड, कोस्टा मोड, ये नॉर्मली जो है ना इसके साउंड भी चेंज होता है और ये परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और तो यहाँ पे हम इसकी चाबी रख सकते हैं, यहाँ पे इसकी चाबी रख दी। और उसके बाद जो है ये हैंड ब्रेक है इसकी, और उसके बाद ये 360 व्यू लेना था, तो यहाँ पे इसका ये बटन है 360 व्यू के लिए, इसके अंदर सारी इसकी आ जाएगी, व्यू आ जाएगा 360, हम इजीली पार्क कर सकते हैं पार्क। उसके बाद ये हज़र्ड बटन वगैरह इसका हो गया हज़र्ड बटन। तो ये इसमें कुछ फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील जो है ना हीट भी होता है इसका, अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग इसको हीट वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये सीन है। तो इसका बोनट खोल रहे हैं, तो ये है इसका इंजन V8 4 लीटर है और ये 641 हॉर्स पावर है और ये फास्टेस्ट SUV है, जो कि 60 माइल्स पर आवर जो है ना 3.2 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। तो ये है इसका इंजन, देखो कितना बड़ा साइज़ है। बाकी इन्होंने कवर सारा किया हुआ है इस कवर के साथ, और ये चेक कर लो लैम्बोर्गिनी यूरस, ज़िंदगी के मज़े हैं भाई। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये? बाकी इसकी लाइट्स वगैरह का स्टाइल चेक कर लो। बस ठीक है, बंद कर दो इसको, मैंने कहा आप लोगों को दिखाई दूं। और उसके बाद इसके रिम्स वगैरह देख लो, ये रिम चेक कर रहे हो, ये ब्लैक रिम बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। और ये 23 इंच के इसके रिम है। ठीक है, और अंदर से मैंने आपको सारे फीचर्स इसके बता दिए हैं। बाकी जो है सेंसर वगैरह लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, सारे सेंसर्स वगैरह, और उसके आगे ये जो है मतलब कैमरा टाइप जो सेंसर जो भी लगे हुए हैं इसके 360 व्यू के लिए। उसके बाद ये लैम्बोर्गिनी का जो बैज है, ज़िंदगी के मज़े हैं। अच्छा, बाकी जो है ना लैम्बोर्गिनी में एक चीज़ होती है, ये वाई शेप है, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो या ना किया हो, ये इनका सिग्नेचर एक समझ लो स्टाइल है, जो वाई जिस तरह देख रहे हो। ये एवेंटाडोर में भी हर कार में ये इस टाइप की वाई जो है ना होते हैं हर गाड़ी के अंदर। तो बाकी ये थी ये वाला एक गाड़ी सारी इसका रिव्यू। और उसके बाद जो है इसके देखो ये ब्लैक साइड मिरर्स हैं ग्लोसी में, ये इस पैकेज में आई है। उसके बाद इस तरह ये ब्लू है, ब्लू आपको मैं दिखाता हूँ ये गाड़ी, तो ये सारी जो है इसमें ब्लू पैकेज के साथ ही आई है। तो इसके अंदर भी रिम वगैरह जो है वो सेम एग्जैक्ट साइज़ के हैं सारा कुछ, बाकी लेकिन ये है कि इससे कलर का डिफरेंस है, इसमें सिल्वर और ब्लैक है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक है। तो ये मैं ब्लू में भी दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया बॉडी में, जिस तरह इसके ये साइड मिरर है। ठीक है, ये ब्लू है साइड मिरर वगैरह सारा कुछ। तो इसके इंटीरियर में जो डिफरेंस है उसमें से एक तो ये देख लो आप, कलर का भी डिफरेंस है, ये सिल्वर कलर का है। बाकी इसका बैंग एंड ओलिन जो है ना, इसका स्पीकर ये देख लो, इस ब्रांड का स्पीकर इसमें डला हुआ है, जो कि
बेसिकली इसके अंदर वो ये देख रहे हो यहाँ पे ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये बाहर आते हैं, तो ये 3D साउंड जो है ना वो प्रोवाइड करता है। बाकी इसमें ब्लू कलर है, ब्लू कलर की सारी स्टिचिंग है, सीट के अंदर भी ब्लू और डायमंड टाइप की स्टिचिंग इन्होंने की हुई है इसके अंदर, बाकी ब्रांडिंग भी सारी ब्लू है। तो इंटीरियर वाइज जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा उससे प्यारी लग रही है, और ये 1.4 मिलियन दिरहम की है, और वो जो है वो 1 मिलियन दिरहम की है, 1 मिलियन दिरहम। और तो ये है इसकी चाबी जो कि हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, और उसके बाद ब्रेक प्रेस करेंगे हम लोग, और उसके बाद इसको ऊपर करेंगे, और 1 2 3 और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और उसके बाद ये देखो ये इसके स्पीकर जो हैं ये बाहर आ गए हैं, तो ये है जी। और इसके अंदर ये लाइट्स ऑन हो गई हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप लोग इसकी लाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑन हो गई हैं। और बाकी मैं आप लोगों को अभी इसका दिखाता हूँ पीछे से भी क्या सीन है एग्जॉस्ट का। ये है जी इसका साउंड, कोल्ड स्टार्ट है गाड़ी, तो इसका साउंड आप लोग चेक कर सकते हो, कोल्ड स्टार्ट। और जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी काफ़ी ज़्यादा लाउड थी क्योंकि वो कोल्ड स्टार्ट था, अब देखो इतनी साउंडलेस हो गई कि जिस तरह इसकी आवाज़ ही ना हो। और ये फुल ADAS पैकेज है इसके अंदर, जो कि जिस तरह लेंस में जा रहे हो, अगर गाड़ी आपकी आउट ऑफ लेन जा रही है तो ऑटोमेटिकली क्रैक रहता है, इस तरह के फीचर्स हैं इसमें। खैर अभी साउंडलेस हो गया बिल्कुल, इसको ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं और देखते हैं क्या उसके स्पीकर देखने कैसे ज़बरदस्त तरीके से अंदर जाए। और तो अब देखना यहाँ पे इसके स्टिकर्स हैं, दिखा दो। तो यहाँ पे इसके जो स्पीकर्स वगैरह हैं ये वो अभी मैं इसको स्विच ऑफ करने लगा यहीं से, फिर से ब्रेक पे पाँव रख के इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये सीट पीछे होगी और वो अंदर हो गया, स्टीयरिंग व्हील भी ऊपर हो गया, और यहाँ से ये। तो ये थी जी हमारी लैम्बोर्गिनी यूरस, ज़िंदगी के मज़े। और ऐसे ये देखो इसके अंदर ये हेड अप डिस्प्ले है जो कि यहाँ पे मिरर के ऊपर शो हो रहा था जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा था उसके अंदर, तो ये सारी वगैरह डिटेल्स इसके अंदर आ रही होती है। और एवरीवन, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बूची ब्लॉग्स के भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस शोरूम की भी डिटेल्स वगैरह इनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में। और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं कार्स, अगर आप लोगों ने चेकआउट करनी है तो प्राइस मैंने इनकी आई गेस बता दी हैं, आपको नहीं बताई तो फिर भी मैं वहाँ पर मैंशन कर दूँगा कहीं पर। तो बाय बाय।